शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमने कहा था ना मैडम जी, गहना ने 9 बजने से पहले ही खुद को साबित कर दिया। ठीक है, लेकिन सारा काम मेरी निगरानी में होगा। पंडित जी ने जो कहा वो सच था, इस घर का काला टीका है। साहब जी आप फिक्र मत करिए, हम खुद आपकी दूसरी बेटी को ढूंढ कर लाएंगे। सब आपके हाथ अभी भी कमजोर है। गहना बेटा तुम एक काम कर दो ना, तुम दूसरी तरफ से पकड़ लो, उर्वशी की मदद कर दो। ठीक है। अब टीका लगा दो। हमारी असली पत्नी गहना का हाथ लग गया आरती पर, तो अब सारा काम शुभ ही होगा। गहना बेटा, उर्वशी को उसके कमरे में ले जाओ और उसके बाद ऑर्डर पूरा कर देना। रुक जाओ, मैं अपने कमरे में खुद चली जाऊंगी, तुम जाकर डिलीवरी देखो। तुम्हें पता है ना कि ऑर्डर किसे देना है? नहीं, ये लो, इसमें एड्रेस लिखा है। ये दिल्ली लेके जाएंगे और उसे कुरियर दफ्तर में ले जाना, वहां पे डब्बों पे पता लिख देना, वो लोग खुद ही भेज देंगे। और हाँ, तुमको ऑटो में जाना होगा क्योंकि एक कार गौरव लेके गया है और बाकी सारी कार्स बिजी है। उर्वशी मैडम, आपने इस गहना को क्यों कहा कुरियर करने के लिए? आपके तो क्लाइंट्स खुद आके पार्सल लेते हैं ना, फिर इसे क्यों? कभी कुछ हो गया तो, कपड़े खराब हो गए या खो गए तो? मजा उसी में तो है झुमके। वो निकल रही है यहाँ से, तुम अपना काम शुरू करो। अब उस गहना को पता चलेगा उर्वशी चौधरी के काम पर नजर डालने का क्या नतीजा होता है। ऑटो, ऑटो, ऑटो। उर्वशी मैम साहब ने कहा था कि अगर 1 बजे तक ये पार्सल नहीं निकला तो बड़ी देर हो जाएगी। अब हम क्या करें? हम एक काम करते हैं, हम आगे जाकर देखते हैं, कोई तो ऑटो मिल ही जाएगी। कौन है आप लोग? ये लड़की, डब्बा दे। क्यों दे हम डब्बा? क्यों दे आपको? अरे छोड़िए डब्बा, छोड़िए, छोड़िए डब्बा दीजिए। Thank you.
तो झाड़ू बर्तन करके चार पैसे कोई भी कमा लेता है ना, लेकिन मेरे मकाम तक पहुंचने के लिए टैलेंट और किस्मत दोनों की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना गौरव, इससे नहीं होगा। क्या हुआ? बड़ी मेम साहब, हमें माफ कर दीजिए। वो डब्बा लेकर हम कुरियर वाले के पास जा रहे थे और मेरा सारा करियर खराब कर दिया इस लड़की ने। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑर्डर मेरे हाथ से छिन गया। मेरी कंपनी, मेरा काम, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। अब मेरे साथ कौन काम करना चाहेगा? जब हमने जानबूझकर नहीं किया, हमने पूरी कोशिश की कि हम वो डब्बा उन लोगों के पास से छीन लें, लेकिन उन लोगों ने हमें धक्का मार कर नीचे गिरा दिया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी गहना, इस गलती की तो कोई माफी ही नहीं है। तुम्हारे इस हरकत से उर्वशी का पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। तुमसे किसने कहा था कि कोरियर कर दो? अरे कोरियर वाले आते हैं घर में पार्सल लेने। बड़ी मैम साहब, हमें तो झुमकी ने कहा था कि वो डब्बे हमें कोरियर वालों को भेज दे। झुमकी ने हमें पता भी लिख कर दिया था। हमने कब कहा तुम्हें ऐसा कुछ? अरे झूठ बोल रही हो तुम, गलती खुद करती हो और इल्जाम हम पे डाल रही हो। अरे पर हम झूठ नहीं बोल रहे। यही दिक्कत है तुम जैसी लड़कियों की। तुम जैसी गवार औरतें ना जिम्मेदारी और करियर शब्द की ना मतलब नहीं जानती हो। जानती भी हो तुम कि वो सैंपल्स कितने महंगे थे? अगर तुम खुद को भी बेच दो ना, तब भी उन सैंपल्स की कीमत नहीं चुका पाओगी, समझी तुम? बस मैडम जी, अब गहना से इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हैं? और जो इसने मेरे साथ किया वो, उसका क्या? इस लड़की ने ना मेरा पूरा करियर खत्म कर दिया। वो बहुत कॉन्फिडेंशियल डिजाइन थे। अगर वो डिजाइन मेरे दुश्मनों के हाथ लग गए और मार्केट में मुझसे पहले उन्होंने वो डिजाइन लॉन्च कर दिए, तो फिर मुझे तो लगता है कि चंद पैसों के लिए ना इसने वो डिजाइन चुरा के उन्हीं को बेच दिए होंगे। बस करिए मैडम जी, गहना ऐसी नहीं है। मैं कैसे मान लूं? एक बार पहले भी इसने मेरे मॉडल्स को मेरे दुश्मनों को सौंपा था। हो सकता है इस बार इसने मेरे डिजाइन ही बेच दिए हो। तुम नौकरों की ना फितरत होती है चोरी करना। Oh God. अब मुझे मेरे डिजाइन कैसे मिलेंगे? मेरे तो करोड़ों का नुकसान हो गया। मेम साहब, आपको आपके कपड़े वापस मिल जाएंगे, लेकिन हम पर ऐसा चोरी का इल्जाम मत लगाइए और हम ये चोरी का इल्जाम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। अच्छा, आपको 6 बजे सूर्य ढलने से पहले हम आपको आपके कपड़े वापस ला कर देंगे और अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई तो तुम्हारी सजा मैं खुद तय करूंगी। ठीक है मैम। सजा के लिए तैयार हो जाओ गहना, क्योंकि मेरे आदमी तो तुम्हें वो सैंपल्स लौटाने से रहे।
संभाल खुद को गहना, वो डब्बा तुम्हें हर हाल में ढूंढना है। भैया आपने दो आदमियों को जाते हुए देखा? वो हमने पुलिस को बता दिया, तुम चिंता मत करो, वो कपड़े मिल जाएंगे। मालिक, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन वो डिब्बा हमें अभी के अभी ढूंढना होगा, वरना उर्वशी मेम साहब हमें चैन से जीने नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई तो तुम्हारी सजा मैं खुद तय करूंगी। उर्वशी मैडम की चिंता तुम मत करो, उनको हम देख लेंगे, तुम बस कपड़े ढूंढने पर अपना ध्यान लगाओ। अच्छा, हमें एक जरूरी फोन आया, हम बाद में मिलते हैं तुमसे। महादेव, क्या गजब ढा दिए हैं आप, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। हम पूरे परिवार को साबित करना चाहते हैं कि हम चोर नहीं है, हम अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं, मदद करिए हमें। मैडम, वो ना गौरव सर ने ना पुलिस स्टेशन में कपड़े चोरी होने की कंप्लेन कर दी, और फिर गहना की हेल्प कर रहे, अगर पुलिस ने वो लोगों को पकड़ लिया तो जो लोग ने सब सच बता दिया तो हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, कर रहे हैं आप? आपको समझ में नहीं आ रहा, बाहर आइए। इतनी बड़ी गाड़ी है आपके पास, शक्ल से भी इतने शरीफ खानदान के दिखते हो, और चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? चुप क्यों खड़े आप, कुछ पूछ रही हूँ मैं, जवाब नहीं है आपके पास? देखे क्या जा रहे हैं आप, आपको जवाब देने नहीं हो रहा है, चोरी क्यों की आपने? देखिए आप मेरी बात समझ, क्या बात समझे हम आपकी, इस तरह से किसी का सामान चोरी करते हैं? आपको पता भी है ये बक्से में क्या है? ये बक्से में ना डिजाइनर कपड़े हैं, और ये कितने महंगे डिजाइनर कपड़े हैं। हमारी मेम साहब ने हमें कितना सुनाया, कितनी डांट पड़ी है हमें आपकी वजह से, और तो और हमारी मेम साहब ने हम पर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। पता भी है हम कितने परेशान हो रहे थे इस डब्बे के लिए? गहना ये क्या कर रहे हैं? देखो ये आदमी मिल गया हमें, ये चोर है, देखो वो हमारा डब्बा गाड़ी में पड़ा है, इसी ने चोरी की है, और तुमने वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाई थी ना, तो वो पुलिस को फोन करो, बुला लो उनको यहाँ, बोल दो कि ये चोर मिल गया, हमारा डब्बा भी मिल गया, और इसको ले जाए पुलिस थाने, ताकि ये ना आइंदा से ऐसी कोई हरकतें ही ना करे। सॉरी, हम बात करते हैं इससे, हम इसे समझाते। क्या सॉरी क्यों? अरे कहना ये क्या कर रही हो तुम? अरे ये वंश जी हैं, महेंद्र साहब की पार्टी के सबसे बड़े फाइनेंसर हैं ये। अरे अगर ये चाहे ना तो 10 डिजाइनर स्टोर खरीद सकते हैं, तुम्हारे कपड़े ये क्यों चुराएंगे? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वंश जी,
ये गरम गरम समोसे लीजिए, यहाँ के बेस्ट हैं। अरे ये लिट्टी कहाँ है, जाओ जाकर लिट्टी लेकर आओ। लिट्टी लीजिए, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। अरे बस आंटी, इससे ज्यादा खाऊंगा तो पेट फट जाएगा। जी आप हमारे इतने बड़े फाइनेंशियर हैं, पहली बार हमारे घर पर आए हैं, इतनी खातिरदारी तो बनती है। और फिर हमारी बेटी के जो डिजाइन है वो लौटा कर उसके करियर को आपने बचा लिया। थैंक यू। मैंने देखा कैसे उन गुंडों ने गहना के हाथ से बॉक्स छीना। का पीछा किया और उनके हाथ से बॉक्स छीना। अच्छा हुआ कि बॉक्स पे एड्रेस लिखा हुआ था, इसलिए गौरव जी से बात की और देने चला है। वंश जी, अच्छा लगा कि आप घर आए। इनफैक्ट मैं और पापा बात ही कर रहे थे कि आपको ना मेरे लेबल में इन्वेस्ट करना चाहिए। I'm sorry उर्वशी जी, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। दरअसल आपका सपोर्ट करने के लिए आपके पापा हैं और वो सारे लोग हैं जिनकी आपको जरूरत है। मैं उन लोगों में इन्वेस्ट करता हूँ जिनके पास टैलेंट तो बहुत है पर सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। अगर आप लोगों की नजर में कोई ऐसा हो तो बताइएगा। गौरव, तुमने वंश जी को गहना से मिलवाया? वंश जी, बस यूं समझ लीजिए कि ये वो हैं जिनके बिना इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर अगर ये ना हो तो इस घर में सब लोग मुसीबत में आ जाते। और अगर क्या बात है गौरव, एक नौकरानी का ऐसा इंट्रोडक्शन हमने पहली बार सुना। मैं चलता हूँ। नमस्कार। रुकिए, वो हम आपसे माफी मांगने आए थे। दरअसल उर्वशी मेम साहब ने भी हमें इतना सुना दिया बिना हमारी बात सुने, इतना डाटा हम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया उन्होंने। तब हमें भी बहुत बुरा लगा था और आज हमने भी आपके साथ वही किया, इसलिए हम आपकी माफ़ी मांगने आए थे। इसलिए हम माफ़ी के तौर पर आपके लिए एक छोटी सी भेंट लाए हैं, हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। और आज आप भगवान बनकर आए हैं, आपने हमारी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। Interesting. Very interesting. Thanks for the gift. गहना को उसके पैरों पर खड़ा करने में वंश हमारी मदद कर सकते हैं। हम वंश से बात करते हैं। गौरव, गहना यहाँ। गौरव बेटा, आज तुम्हारी वजह से उर्वशी के पापा का सालों पुराना सपना पूरा हो गया। तुमने वंश जी को ना सिर्फ हमें ज्यादा फंडिंग देने के लिए तैयार किया है बल्कि तुम्हारी वजह से आज वो हमारे घर भी है। सुधा सही कह रही है गौरव, जो काम एक बेटा नहीं कर सका वो एक दामाद ने कर दिखाया। आज से पार्टी फंड की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कहना,
बेटा हमें माफ कर देना, हमने तुम्हारी नियत पे शक किया। तुमने उर्वशी का पूरा ऑर्डर समय पे तैयार कर दिया और तुमने उर्वशी को ऑर्डर दिलवा दिया। उन्हें सैंपल डिजाइन्स बहुत अच्छे लगे। पता है क्लाइंट का फोन आया था, उन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर दिया है उर्वशी को। खुश रहो, जीते रहो। कल तक तुम दोनों हमारे घर के नौकर थे, लेकिन तुम्हारे प्यार और अपनेपन से तुम दोनों आज हमारे परिवार का हिस्सा बन गए। सच में कहना, तुमने दिन रात एक करके ये ऑर्डर तैयार किया है, सो थैंक यू। तुम क्या गौरव खुद भी मुझे अपने आप से अलग नहीं कर सकता? वो नहीं मालिक, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। हम इस घर के नौकर हैं और आप सबके लिए काम करना वो हमारा फर्ज है। गौरव, गहना को बख्शीश दे दो। ले लो, ये हमने अपनी पहली कमाई से लिया था। जब से तुम आई हो तब से तुम्हें देने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी हर चीज पर सबसे पहला हक तुम्हारा है। नहीं मालिक, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ दूसरा गौरव बनने नहीं आए, हम गहना बनकर खुश हैं और हम यही रहना चाहते हैं। अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।